या फाइंड आउट भी कह सकते हैं, डिटरमाइन नहीं तो फाइंड आउट भी कह सकते हैं आप, फाइंड आउट वी आर फाइंड आउट स्पाइनिंग स्पाइनिंग जनरेटिंग कैपेसिटी, स्पाइनिंग जनरेटिंग कैपेसिटी, स्पाइनिंग जनरेटिंग कैपेसिटी इब्यूलेशन, इब्यूलेशन इब्यूलेशन विच इज कॉल्ड स्पाइनिंग रिजर्व, विच इज कॉल्ड स्पाइनिंग रिजर्व, स्पाइनिंग रिजर्व इन जनरेटिंग सिस्टम रिलायबिलिटी स्टडीज सम सब डिविजन्स इज मेड। जनरेटिंग सिस्टम रिलायबिलिटी स्टडीज में कुछ सब डिविजन्स हम बनाते हैं, दैट इज जो ये हैं, फॉर प्लानिंग पीरियड, प्लानिंग पीरियड के लिए वी हैव टू कैलकुलेट स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इब्यूलेशन। प्लानिंग पीरियड के लिए हम स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इब्यूलेशन को कैलकुलेट करते हैं, और फॉर ऑपरेशन पीरियड, और ऑपरेशन पीरियड के लिए वी हैव फाइंड आउट वी कैलकुलेट वी हैव कैलकुलेट वी हैव डिटरमाइन या फाइंड आउट स्पाइनिंग जनरेटिंग कैपेसिटी इब्यूलेशन। यानी ऑपरेशन पीरियड के लिए हम जो स्पाइनिंग जनरेटिंग कैपेसिटी इब्यूलेशन फाइंड आउट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं, विच इज कॉल्ड स्पाइनिंग रिजर्व, विच इज कॉल्ड स्पाइनिंग रिजर्व। नेक्स्ट इज दैट, इसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट इज दैट व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज रिजर्व, व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व क्या है, व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व क्या है। ठीक है, इन स्टैटिक स्टडीज, इन स्टैटिक स्टडीज, इन स्टैटिक स्टडीज रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड, रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड, मस्ट बी प्रोवाइडेड, रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग रीजंस, फॉर द फॉलोइंग रीजंस, फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कौन कौन से रीजन है, फर्स्ट रीजन इज दैट शेड्यूल्ड और मेंटेनेंस, शेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड और मेंटेनेंस आउटेजेस, और शेड्यूल्ड और मेंटेनेंस, मेंटेनेंस आउटेजेस, आउटेजेस, शेड्यूल्ड एंड मेंटेनेंस आउटेजेस। सेकेंड इज दैट लोड ग्रोथ, लोड ग्रोथ, लोड ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशंस, लोड ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन। इन व्हाट इज रिजर्व, रिजर्व क्या है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन स्टैटिक स्टडीज रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। स्टैटिक स्टडीज में हम जो स्टैटिक स्टडी करने के लिए जो हम रिजर्व है वो निम्नलिखित रीजंस के लिए प्रदान करना हमें चाहिए, रिजर्व को निम्नलिखित रीजंस के लिए हमें प्रदान करना चाहिए। फर्स्ट रीजन इज दैट शेड्यूल्ड और मेंटेनेंस आउटेजेस, फर्स्ट रीजन है हमारा शेड्यूल्ड या और मेंटेनेंस आउटेज होने के कारण, यानी कि वो शेड्यूल्ड आउटेज आ जाए या मेंटेनेंस आउटेज आए तो उसके लिए हमको कोई भी यूनिट है वो रिजर्व में रखनी चाहिए। लोड ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि आशा के जो हमने आशा की थी, जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था, उससे ज्यादा यदि हमें लोड ग्रोथ बढ़ रहा है, लोड ग्रोथ हो रहा है, तो उसकी मात्रा के लिए हमें क्या रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। लोड ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी हमने आशा की थी 10 मेगावाट के लोड की, एक्सपेक्ट किया था हमने 10 मेगावाट का लोड, और लोड आ गया 13 मेगावाट का लोड, तो इसके लिए भी आपको क्या रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। लोड ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ एक्सपेक्टेशंस, यानी आशा की मात्रा से यदि ज्यादा लोड ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए आपको रिजर्व यूनिट रखनी पड़ती है। नेक्स्ट इज दैट इन स्पाइनिंग स्टडीज,
इन स्पाइनिंग स्टडीज, इन स्पाइनिंग स्टडीज, इन स्पाइनिंग स्टडीज रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, फर्स्ट इज द फोर्स आउटेजेस, फॉर फर्स्ट इज द फोर्स आउटेजेस, फोर्स आउटेजेस, सेकेंड इज दैट फोर्स आउटेजेस, सेकेंड इज दैट लोड फोरकास्ट अनसर्टेनिटी, लोड फोरकास्ट अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटीज, लोड फोरकास्ट अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद में स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन, स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन, जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन, रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन। फर्स्ट इज दैट, इसमें पहला आता है डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच आती है, एक आती है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है एक तो डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। और सेकेंड अप्रोच है इसमें जो आपकी आती है वो है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, द प्रोबेबिलिस्टिक, द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। द इन स्पाइनिंग स्टडीज, स्पाइनिंग स्टडीज में रिजर्व मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर द सम रीजंस, रिजर्व निम्नलिखित रीजंस के लिए हमें रिजर्व रखना चाहिए। फर्स्ट इज द फोर्स्ड आउटेजेस, फोर्स्ड आउटेजेस के कारण, फोर्स आउटेजेस के कारण। और सेकेंड जो आपका है वो है फोर्स आउटेजेस के कारण। अगला है लोड फोरकास्ट, लोड फोरकास्ट अनसर्टेनिटीज, यानी लोड जो अनिश्चितता है, अनसर्टेनिटीज का मतलब अनिश्चितता है। जब हमने लोड का पूर्वानुमान किया था तो उसमें अनिश्चितता होने के कारण, मान लो हमने 10 मेगावाट का लोड एक्सपेक्ट किया था, जो लोड फोरकास्ट जो हमने किया था वो 10 मेगावाट का किया था, अचानक से लोड 13 मेगावाट का आ जाए तो उस स्थिति में यूनिट जो तैयार, मान लो हमने यूनिट 10 मेगावाट की तैयार की, अचानक से लोड जो है वो 13 मेगावाट का आ गया, लोड है जो 13 मेगावाट का आ गया, तो उस टाइम पे हमारा क्या हो जाएगा, लोड फोरकास्ट में अनसर्टेनिटीज आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लोड फोरकास्ट अनसर्टेनिटीज, ठीक है। स्टैटिक, अगला है स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन। इसमें दो तरीके की अप्रोच होती है स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन के लिए, दो तरीके की अप्रोच होती है। फर्स्ट अप्रोच इज कॉल्ड द डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच विच इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। फर्स्ट जो अप्रोच है वो आपकी डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, या इसको नॉन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच भी बोलते हैं। और जो सेकेंड अप्रोच है, सेकेंड जो अप्रोच है वो आपकी होती है प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। सेकेंड अप्रोच आपकी क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। तो दो अप्रोच होती है स्टैटिक जनरेटिंग कैपेसिटी रिलायबिलिटी इवैल्यूएशन के लिए, फर्स्ट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, सेकेंड इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दैट नेक्स्ट इज दैट द डिटर्मिनिस्टिक, द डिटर्मिनिस्टिक, द डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक, प्रोबेबिलिस्टिक, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड, डिटर्मिनिस्टिक या नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड। इन द डिटर्मिनिस्टिक मेथड, इन दिस मेथड मींस डिटर्मिनिस्टिक मेथड में, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड there are a two most common rule of thumbs, there are a two most common, two most common rule of thumbs, most common rule of thumbs,
मोस्ट कॉमन रूल ऑफ थम्स और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स ऑन और नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स फर्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ रिजर्व मार्जिन. यहाँ पे हमें रिजर्व मार्जिन का परसेंटेज रखना होता है. द परसेंटेज ऑफ रिजर्व मार्जिन परसेंटेज ऑफ रिजर्व मार्जिन एंड सेकेंड इज दैट वन एडिशनल लार्जेस्ट यूनिट वन एडिशनल बी इज कॉल्ड वन एडिशनल लार्जेस्ट यूनिट. एक अतिरिक्त हमें लार्ज यूनिट को रखना पड़ता है. वन एडिशनल लार्जेस्ट यूनिट इन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच फर्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिस्टिक मेथड. इस मेथड में दो तरीके की अप्रोच होती है. पहला है द परसेंटेज ऑफ रिजर्व मार्जिन यानी रिजर्व मार्जिन का परसेंटेज हमें रखना होता है. सेकंड है वन एडिशनल लार्जेस्ट यूनिट एक अतिरिक्त लार्ज यूनिट को हमको लगा के रखना होता है. एक अतिरिक्त लार्ज यूनिट हमें लगा के रखनी होती है. नेक्स्ट हमारा आता है inconsequences, two systems having the same percentage reserve can have basically different probabilistic risks. Probabilistic risk, that is probability of not meeting the load. That is the probability of not meeting the load. Probability of not meeting the load. Inconsequences, two systems having the same percentage reserves, इसमें समान percentage reserve दोनों systems में पाया जाता है, can have vastly different probabilistic risks. इनमें अलग अलग प्रकार की probabilistic risks होती पाई जाती हैं. That is the probability of not meeting the load. यानी load को supply ना मिलने की जो probability वो इसमें शामिल है. ठीक है, तो बी सी द प्रोबेबिलिटी इन प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच. प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच में हम probability देखते हैं. ठीक है, the load is not served when the supply will not meet the load. जब लोड को सप्लाई नहीं मिलेगी तो लोड सेवा नहीं दे पाएगा, दो जो लोड है वो सर्व नहीं कर पाएगा. ठीक है, तो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, जो प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच है उसमें प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं. ठीक है, और यहाँ पे जो हम देखते हैं वो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मीटिंग द लोड इन कंसिक्वेंसेज. नेक्स्ट इज दैट इन बोथ डिटर्मिनिस्टिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स in both probabilistic and deterministic methods the outage probability of the capacities is given by capacities must be constructed first
मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट फर्स्ट कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी टेबल कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी टेबल कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी capacity outage probability table. This table is also known as generation model. This table is also known as generation model. This table is also known as generation model. Known as generation model. This table is also known as generation model. It is constructed using binomial distribution. It is constructed using binomial distribution. Binomial distribution. Although binomial distribution has limited applications, has limited applications. Next is that limited applications when the unit sizes and FORS force the outage rates FORS are differs, but it can be applied in such cases. But it can be applied in such cases. Why? Starting with the lowest unit. And continue to add one unit at a time to the table. Will units have been processed? In both probabilistic and deterministic method, the outage probability of the capacity must be constructed first. सबसे पहले हम क्या करते हैं? जो आउटेज प्रोबेबिलिटी है कैपेसिटीज की जो आउटेज प्रोबेबिलिटी है उसको सबसे पहले बनाते हैं कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी टेबल. दिस टेबल इज आल्सो नोन एज जनरेटिंग मॉडल जनरेशन मॉडल. जो हम जनरेटिंग कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी टेबल बनाते हैं इस टेबल को हम बोलते हैं जनरेशन मॉडल. तो इस दोनों प्रोबेबिलिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक दोनों अप्रोच में दोनों मेथड्स में आउटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ द कैपेसिटीज की जो आउटेज प्रोबेबिलिटी है मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट. उसको सबसे पहले बनाना चाहिए कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटी आउटेज प्रोबेबिलिटी टेबल को सबसे पहले बनाना चाहिए. दिस टेबल इज ऑल्सो नोन एज जनरेशन मॉडल. इस टेबल को हम जनरेशन मॉडल भी कहते हैं. इट इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इस टेबल को बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के उपयोग के द्वारा कंस्ट्रक्ट करते हैं. ऑल्दो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज लिमिटेड एप्लीकेशन, यद्यपि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिमिटेड एप्लीकेशन है. व्हेन द यूनिट साइजेज एंड एफओआर, एफओआर मीन्स होल्ड आउटेज रेट. व्हेन द यूनिट साइजेज एंड एफओआर आर डिफर्स, जब यूनिट साइज और एफओआर यानी फोर्स्ड आउटेज रेट्स अलग डिफर्स हैं, अलग अलग हैं, बट इट कैन
वी अप्लाइड इन सच केसेज, लेकिन इसे उन केसेज में अप्लाई कर सकते हैं वाई स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट यूनिट, एंड लोवेस्ट यूनिट के साथ स्टार्ट करने के द्वारा स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कंटिन्यू टू एड वन यूनिट एट ए टाइम, और एक टाइम पर एक यूनिट को कंटिन्यूस में एड करते हैं टू द टेबल टेबल में विद यूनिट्स हैव बीन प्रोसेस्ड, यानी कि इससे जो ये सारी यूनिट्स हैं वो क्या होंगी, इनकी प्रोसेस होगी, ठीक है, प्रोसेस होंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रॉम द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग कैपेसिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग कैपेसिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग कैपेसिटी ऑन फोर्स्ड आउटेज और ऑन फोर्स्ड आउटेज और फोर्स्ड आउटेज और अनएबिलिटी इज गिवन बाय unavailability, unavailability is given by, is given by PR, PR equals to, PR equal to PX, PX, PX बराबर ये R N and Q, R N Q which is equals to n factorial, which is equals to n factorial upon r factorial, r factorial n minus k r factorial, n minus r, n minus r, n minus r factorial q की power n, q की power n into p की power n minus k 1, p की power n minus वन, पी की पावर एन माइनस वन, वेयर एन, यहां पे जो पी आर जो फ्रॉम द बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग कैपेसिटी ऑन फोर्स्ड आउटेज और अनएबिलिटी, यानी अनएबिलिटी और फोर्स्ड आउटेज पर जो दी हुई कैपेसिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो निम्न प्रकार दी जाती है, पी आर इक्वल टू, पी आर इक्वल टू पी, पी आर, पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है, पी आर इक्वल टू पी ब्रेकेट स्टार्ट एक्स बराबर आर एन क्यू ब्रेकेट क्लोज विच इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस के आर फैक्टोरियल क्यू की पावर इन टू क्यू की पावर एन पी की पावर एन माइनस का वन, वेयर एन इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स एम एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स, R is the number of units on, R is the number of units on, number of units on forced outage, on forced outage, forced outage, forced outage, या इसको unavailable भी बोल सकते हैं, unavailable, unavailable, forced outage या unavailable, P is availability, P is the availability, availability, P is the availability, probability of having in service, यानी कि यूनिट के इन सर्विस में होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनिट ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग इन सर्विस, हैविंग इन सर्विस, इन सर्विस, इन सर्विस। नेक्स्ट इज Q is equal to unavailability. Q equal to unavailability. Unavailability. Q equal to unavailability. Forced outage rate means forced outage. Forced outage rate. Forced outage rate. Forced outage rate. By using binomial. By using binomial
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला के उपयोग के द्वारा वी फाइंड आउट द सिस्टम रिलायबिलिटी पैरामीटर, वी फाइंड आउट द सिस्टम रिलायबिलिटी पैरामीटर्स, सिस्टम रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी पैरामीटर्स, रिलायबिलिटी पैरामीटर्स पैरामीटर्स। From the binomial distribution, the probability of given capacity of forced outage or unavailability is given by जो binomial distribution से जो दी हुई capacity की forced outage पर दी हुई capacity की probability और unavailability को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। PR equals to P bracket start x बराबर R comma n comma q which bracket closed which is equals to n factorial upon r factorial n minus k r factorial into q की power n p की power n minus k 1 where n is the number of units, r is the number of units on forced outage, यानी forced outage पर जो number of units हैं, means जब unit हमारी unavailable है उस time पे जो हमारी number of units हैं, p क्या है availability, availability मतलब उपलब्धता, जब unit हमारी available है, probability of having in service, जब unit in service में है तो उस time पे जो probability है या availability है वो क्या है p है, q is the unavailability, unavailability मतलब जो unit out of service है, forced outage rate, ये forced outage rate भी कहते हैं इसको या unavailability कहते हैं, ठीक है। By using binomial distribution formula, इस binomial distribution formula के उपयोग के द्वारा we find out the system reliability parameter, हम system reliability parameters को find out कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। By using binomial distribution formula, binomial distribution formula के उपयोग के द्वारा हम system reliability parameters को find out करते हैं। Thank you dear students, thank you.